लेट अस कम टू जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरी इलेक्ट्रिसिटी में, ऑल्दो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ, रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल। ठीक है, अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उस केस में रेजिस्टेंस क्या होती है, राइट? अब फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज रेजिस्टेंस क्या होती है? सीरीज रेजिस्टेंस होती है कि अगर दो रेजिस्टेंस है उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, मतलब इसका एक एंड इसके दूसरे एंड के साथ, इसके दूसरे एंड इसके साथ, इनको अगर हम सीरीज में ज्वाइन कर दें और यहां से कोई ब्रेकिंग ना हो रही हो, राइट, देयर शुड बी नो ब्रेकिंग सच दैट कि तीनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा हो। ठीक है, करंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर करंट की वैल्यू सेम होगी दे विल बी सेड टू बी इन पैरेलल। ठीक है, इसका ओ सॉरी इन सीरीज, तो इनको हम सीरीज में कहेंगे। अब अगर सीरीज में है सब में करंट सेम आई फ्लो कर रहा होगा, राइट, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वी वन वी टू और वी थ्री इन तीनों के अक्रॉस, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट वी। अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखा है कि कैपेसिटर्स के अंदर कैसे निकाला जाता है, राइट, रेजिस्टेंस का भी सिमिलर टाइप होता है। अब वी वन जो होता है वी वन विल बी इक्वल टू व्हाट आई इंटू आर वन, एंड वी टू विल बी इक्वल टू व्हाट आई इंटू आर टू, एंड वी थ्री विल बी इक्वल टू व्हाट आई इंटू आर थ्री। सो दिस कैन बी रिटन एज आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। ठीक है, तो यहां से मैं आई कॉमन ले सकता हूं, अब अगर लेट अस सपोज इन तीनों की जगह, राइट, इन तीनों की जगह मेरे को एक रेजिस्टेंस निकालनी है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगानी है जिसकी वजह से सेम करंट आई फ्लो करे इस बैटरी के थ्रू। ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो आर है वो आर इक्विवेलेंट है, राइट, तो यानी वो सर्किट कैसा होगा, इन तीनों की जगह सिर्फ एक लगा रहे हैं जिसको आर इक्विवेलेंट बोलते हैं, ये आई है ये वी है, तो ये हमारा फॉर्मूला बना था। अगर मैं वी बाय आई ले जाऊं, इसको नीचे ले जाता हूं, तो यहां पर बेसिकली ये होगा, इस केस में वी विल बी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, इस केस में ये आएगा, तो वी बाय आई की यहां से भी वैल्यू क्या आ रही है, आर इक्विवेलेंट, यानी इट इंप्लाइज सीरीज के केस में आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो सीरीज केस में क्या होता है, तीनों एड अप हो जाते हैं, ये तीनों हो या और भी ज्यादा हो, दो हो तीन हो चार हो, जितने भी होंगे सीधा एड अप हो जाते हैं। वेयर एज कैपेसिटेंस में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर इनवर्सली रेशियो होता था, वहां पर क्या होता था, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट, सीरीज के केस में क्या होता था, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री, तो ये होता था हमारा कैपेसिटेंस के केस में। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका ऑपोजिट होगा। अब अगर मैं पैरेलल की बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा कि जब जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे होंगे कि उनके दो रेजिस्टेंस है, अगर उन दोनों के जो दो एंड्स है वो एक सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है और बाकी दो एंड्स भी सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है, ऐसी अगर तीसरा भी है तो इन तीनों के एक एंड्स एक सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है, ये वाला सिंगल पॉइंट हो गया, राइट, और बाकी जो दोनों एंड्स है वो भी एक सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड है, दिस विल बी कॉल्ड एज पैरेलल। ठीक है, अगर ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, तो जब भी पैरेलल में होते हैं इनका कंसेप्ट क्या होता है कि इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है दैट रिमेन्स वी। अगर यहां पे वी है तो दिस विल बी वी, दिस विल बी वी, दिस विल बी वी, बट यहां से जो बैटरी से करंट निकल रहा है आई, ये क्या होता है, इधर मान लेते हैं कि आई थ्री जा रहा है, इधर मान लेते हैं आई टू जा रहा है, उधर इधर मान लेते हैं आई वन जा रहा है, तो इसके इसमें पैरेलल के केस में क्या होगा, करंट आई जो बैटरी से निकल रहा है दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। ठीक है, ये करंट होगा, और करंट जो होता है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, वी बाय आर वन, वी बाय आर टू, वी बाय आर थ्री, राइट। सो इसको मैं लिख सकता हूं वी बाय आर वन प्लस वी बाय आर टू प्लस वी बाय आर थ्री। अब यहां से क्या कर सकता हूं, वी मैं कॉमन ले सकता हूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ठीक है, ये आ गया, राइट। अब अगेन हमको कुछ ऐसा करना है कि इन तीनों की जगह एक ऐसा सर्किट बनाना है कि एक ही रेजिस्टेंस हो, राइट, और बैटरी से सेम करंट आई निकल रहा हो, सेम आई जो पहले निकल रहा था बैटरी से वही आई यहां पर निकल रहा है, और बैटरी ई एम एफ भी सेम होनी चाहिए, विच शुड बी वी, तो ये अगर आर इक्विवेलेंट है, तो अगेन व्हाट आई कैन डू इज इस फॉर्मूले के लिए क्या होगा, वी विल बी इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो अगर ये वाला फॉर्मूला देखा जाए, आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, फाइनली आई इक्वल टू वी इंटू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो अगर मैं इस वी को अगेन नीचे ले जाऊं, ठीक है, नीचे ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा,
यानी बेसिकली क्या बचेगा, आई बाई वी विल बी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, और यहां से आई बाई वी की वैल्यू क्या आएगी, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी आंसर क्या आ गया, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है। पैरेलल के अंदर क्या होता है, ऐसे होते हैं, बट अगर मैं कैपेसिटर्स की बात करूं, कैपेसिटर्स के केस में क्या होता है कि सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सीधा ऐड अप हो जाता है कैपेसिटेंस के केस में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है कि अगर लेट अस सपोज तीन की जगह सिर्फ दो रेजिस्टर हो, दो रेजिस्टर होंगे पैरेलल के अंदर, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी आर वन आर टू डिवाइडेड बाय ऑफ आर वन प्लस आर टू, ठीक है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक कह लो या एक याद करने वाली चीज है कि जो फाइनल आर इक्विवेलेंट आती है, ठीक है, जो फाइनल हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है, दैट इज लोअर देन द लोएस्ट वैल्यू। लोअर देन द लोएस्ट वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर ये आर वन की वैल्यू लेट अस सपोज थ्री है और आर टू की वैल्यू सिक्स है, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो किससे छोटा होगा, लोएस्ट वैल्यू से। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, थ्री, यानी थ्री से भी छोटा होगा, राइट। इसको कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, ये दिस विल बी थ्री इंटू सिक्स डिवाइड बाई ऑफ नाइन, यानी कितना आ गया थ्री, यानी कितना आ गया टू, राइट। सो ये कंसेप्ट होता है, आप ये देखो कि टू जो है वो थ्री से भी छोटा है, राइट। तो कभी भी अगर हमको रेजिस्टेंस छोटी करनी हो या आर इक्विवेलेंट छोटी करनी हो, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अरेंज देम इन पैरेलल। तो सिमिलरली अगर तीन रेजिस्टेंस लगे हो तो इनका भी जो नेट इफेक्ट आएगा दैट विल बी व्हाट, जो इवेंचुअल वैल्यू आएगी दैट विल बी द लोअर देन द लोएस्ट वैल्यू, राइट। जब भी पैरेलल में होते हैं ये कंसेप्ट होता है। इनफैक्ट जब भी कैपेसिटर अगर सीरीज में होंगे तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी दैट विल बी द लोअर देन द लोएस्ट वैल्यू, इसके लिए भी ये वैलिड होता है, ठीक है। जब भी ऐसे इनवर्स रेशियो में होता है जो फाइनल आंसर आता है दैट विल बी लोअर देन द लोएस्ट वैल्यू। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि मतलब ये जो चीज मैंने आपको बताई है, कभी आपका लेट अस सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया, राइट, तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ सिली एरर कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। अगर आपका एग्जाम में आप आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए, ये बात आपको अगर माइंड में है कि आर इक्विवेलेंट यार इन दोनों से छोटा आना चाहिए, तो फिर आप कभी गलती नहीं करोगे। आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि यार मैंने ये गलती करी है एंड यू कैन फाइंड आउट द मिस्टेक। तो उससे क्या होता है, नंबर बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं, राइट।